आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस टूलकिट ऑफ एजुकेशन में। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है टीचिंग यानी कि शिक्षण। मोटे तौर पे हम सभी लोग जानते हैं शिक्षण क्या है। एक शिक्षक अपने छात्र को जिस प्रकार किसी भी प्रकार की जो शिक्षा देता है उस प्रक्रिया या उस कला को हम शिक्षण कहते हैं। लेकिन शिक्षण अगर हमारे एजुकेशन लाइन में हम पढ़ रहे हैं तो उसको डीप नॉलेज उसकी रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब हमें गहराई से जानना पड़ेगा कि शिक्षण है क्या। तो चलिए आज हमारा विषय भी यही है कि शिक्षण है क्या और शिक्षण से संबंधित कौन कौन से टर्म यानी कि शिक्षण के जो चर हैं यानी कि वेरिएबल हैं वो कौन से होते हैं, शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं, शिक्षण और शिक्षा में अंतर क्या है। तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि शिक्षा और शिक्षण में अंतर क्या है। वैसे तो दोनों एक जैसे ही होते हैं लेकिन मुख्य रूप से अंतर कहाँ पर है वो जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले शिक्षा और शिक्षण में अंतर। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि शिक्षा और शिक्षण में अंतर क्या है तो आप ये कह सकते हैं कि शिक्षा जो है एक बड़ा पहलू है और शिक्षण उसके अंतर्गत आने वाला एक छोटा पहलू। ठीक है, उसके बाद हम थोड़े बहुत जो है अंतर जिससे हम ये एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा और शिक्षण में अंतर हो रहा है क्या है उसको देखते हैं। अगर हम कहें शिक्षा की बात तो आपने भी अच्छे से पढ़ा है कि शिक्षा जो है वो विकास का एक क्रम है। क्या है? विकास का एक क्रम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है विकास का क्रम। और शिक्षण क्या है? मैंने अभी क्या बताया कि वो इसका छोटा पार्ट होता है। तो शिक्षण उस विकास के क्रम में सहायता करने का काम करता है ना कि स्वयं क्रम बन जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी जीवन में जो भी प्रक्रिया चल रही है शिक्षा संबंधी वो एक क्रम है और उसमें सहायता कर रहा है वो शिक्षा है। जब विकास का क्रम है तो कहीं ना कहीं ये निरंतर चलती रहती है। जी हाँ, तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। और ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जो शिक्षण है ये एक कला है। मैं आपको यहां बता दूं ये प्रक्रिया नहीं है, ये एक कला है जो एक शिक्षक को आनी चाहिए। अगर हम कहें कि इसके अंतर्गत और क्या हम नया जान सकते हैं तो जब कोई विकास का क्रम है और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से संबंधित होता है तो जाहिर सी बात है वो हमारे सर्वांगीण विकास से भी संबंधित हो जाता है। किससे? सर्वांगीण विकास से। मतलब हर प्रकार वो हमारे विकास से संबंधित है। लेकिन शिक्षण ऐसा नहीं करता है, ये सिर्फ नई सूचनाओं से संबंधित होता है या नई नए ज्ञान से संबंधित होता है। तो नई सूचनाएं हम इसमें प्राप्त करते हैं। और अगर हम कहें कि जो हमारे शिक्षक और छात्र होते हैं, हमेशा ये चीज आपको तो पता ही होगा कि जो भी कार्य होता है वो मुख्य रूप से शिक्षक और छात्र के मध्य ही होता है ज्यादातर। तो शिक्षक और छात्र शिक्षा में दोनों हमेशा सक्रिय रहते हैं। कैसे रहते हैं? हमेशा सक्रिय आपको दिखाई देंगे, चाहे कैसे भी आपको दिखाई दे कि शिक्षक पढ़ा रहा है छात्र पढ़ता है, एक बहुत बेसिक सी बात है। लेकिन अगर हम कहें ये शिक्षण में, तो ऐसा जरूरी नहीं होता है, जरूरी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है शिक्षण में छात्र स्वयं भी पढ़ रहे होते हैं और कभी कभी जो शिक्षक है वो शांत है और छात्र कर रहा है। तो मतलब जो प्रक्रिया चलती है उसमें कभी कोई सक्रिय हो सकता है और कभी कभी कोई निष्क्रिय हो सकता है। जैसे आपने एक शिक्षण का नाम सुना होगा अध्यापक केंद्र, जिसमें छात्र सिर्फ सुनते हैं। जाहिर सी बात है तो वहां छात्र सिर्फ सुनने का काम कर रहा है, सक्रिय रूप में कोई भी सहभागिता उसकी नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे ये जानना जरूरी हो जाता है कि कभी कभी छात्र निष्क्रिय रूप में भी दिखाई देते हैं शिक्षण। अंत में मैं एक आपको बात बताऊंगा कि जो शिक्षा है इसमें आप जरूरी नहीं है कि दोनों शिक्षक और छात्र के बीच में संबंध आप दिखा ही सको, क्योंकि जो शिक्षण है वो हमेशा संबंध को दिखाता है।
लेकिन जो शिक्षा है ये कभी कभी स्वयं भी हमको मिलती है। तो शिक्षक और छात्र में जो संबंध है ये जरूरी नहीं है कि शिक्षा में देखने को मिले, ठीक है? क्या चीज? संबंध। लेकिन यहां पर आपको संबंध दिखाई देगा किसमें? शिक्षक और छात्र में संबंध है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप अपने किसी भी बीएड के या एमएड के पेपर में, या बीए एमएड जिसमें भी आप एजुकेशन लाइन में अगर हैं, शिक्षा शास्त्र से संबंधित हैं, तो उसमें आप बता सकते हैं शिक्षा और शिक्षण में अंतर कहाँ पर दिखाई देता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हमारा जो टॉपिक है वो है शिक्षण है, तो थोड़ा बहुत हम शिक्षण पे ही चर्चा करेंगे। शिक्षण का अर्थ, शिक्षण शब्द अंग्रेजी भाषा के टीचिंग शब्द से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य सीखने से है। शिक्षण एक त्रिआयामी सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, ठीक है? तो मतलब एक तरफ शिक्षक है, एक तरफ छात्र है, और एक तरफ वो पाठ्यक्रम है जो पढ़ना है। क्या है? पाठ्यक्रम। तो ये एक प्रकार की त्रिआयामी व्यवस्था यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो अब आपको बताना है, त्रिआयामी को इंग्लिश में कहते हैं थ्री डायमेंशनल। तो 3D की ये जो शिक्षण व्यवस्था आप देख रहे हैं ये किसने प्रस्तुत की थी? ये नाम बहुत फेमस है, और अगर आप थोड़े आप बहुत इस बारे में पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका आंसर आप बहुत आराम से दे देंगे। तो ये प्रश्न आपके लिए है। और बताइएगा कि ये थ्री डायमेंशनल शिक्षण की व्यवस्था बताई थी ये किसने बताई थी? त्रिध्रुवीय कहते हैं इसको हिंदी में। तो त्रिध्रुवीय व्यवस्था जिसमें शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम है ये किसने बताया था, ठीक? अब मैं आपको बता चुका हूं कि शिक्षा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और उसमें छोटा सा क्षेत्र है शिक्षण। तो अगर कोई बात कभी भी होती है शिक्षण से संबंधित, तो कहीं ना कहीं उसमें शिक्षा का जो प्रारूप है वो तो आपको दिखाई ही देगा। अब जैसे आपने खूब अच्छे से पढ़ रखा है कि शिक्षा के दो अर्थ होते हैं, संकुचित अर्थ और व्यापक, यानी कि एक नैरो मीनिंग एंड ब्रॉड मीनिंग। तो इन दो मीनिंग में शिक्षण को भी हम समाहित करते हैं। कभी भी शिक्षण का अर्थ पूछा जाए तो आप तुरंत संकुचित और व्यापक अर्थ के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो संकुचित अर्थ होता क्या है? वही जो आपने शिक्षा में पढ़ा हुआ है। शिक्षण के संकुचित अर्थ का संबंध स्कूली शिक्षा से है, जिसमें अध्यापक द्वारा एक बालक को निश्चित स्थान पर एक विशिष्ट वातावरण में निश्चित अध्यापकों के द्वारा उसके व्यवहार पाठ्यक्रम के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। वही बात, यानी कि आपको इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जो संकुचित अर्थ होता है वो स्कूली शिक्षा से संबंधित होता है। उसका जो पाठ्यक्रम है वो भी निश्चित होता है। जैसे आपने मान लीजिए बीए फर्स्ट ईयर में आप हैं या बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें एक छोटी सी बुक है, दो यूनिट हैं, फर्स्ट या सेकंड पेपर है, आपको सिर्फ उतना ही पूरा करना है। आपसे कोई लेना देना नहीं है कि सेकंड सेमेस्टर में क्या होगा, आपसे कोई लेना देना नहीं है कि 5 साल बाद क्या होगा, आपको सिर्फ उस 6 महीने के लिए उस बुक को तैयार करना है। तो एक छोटा सा क्राइटेरिया बन जाता है, इसीलिए हम इसको संकुचित अर्थ से प्रस्तुत करते हैं। और प्राचीन काल में शिक्षा जो है वो शिक्षक केंद्रित थी, अर्थात शिक्षक अपने अनुसार बालकों को शिक्षा देता था और बालक की रुचियों एवं अभिरुचियों को ध्यान में नहीं रखा जाता था। क्या है? नहीं रखा जाता था। तो गुरु जो भी पढ़ा रहा है वो रुचि या इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, वो ज्ञान के हिसाब से पढ़ा रहा है कि आपको मैं ज्ञान की बात बता रहा हूँ और आपको याद रखनी है, भले आपको उसमें इंटरेस्ट हो या ना हो, ठीक है? तो ये जो नीचे वाली लाइन है ये मैंने उठाई है एक पेपर से, और उस पेपर में ये लाइन लिखी हुई है। तो और साथ में ये पूछा जा रहा है कि ये शिक्षा के किस अर्थ को दर्शाता है। अब आप समझ लीजिए, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ये पूरी लाइन लिखी हुई है और साथ में लिखा हुआ है कि किस अर्थ को दर्शाता है। संकुचित अर्थ को दिखाता है, व्यापक अर्थ को दिखाता है, दोनों अर्थ को दिखाता है, या किसी भी अर्थ को नहीं प्रस्तुत करता है। तो आपका वहां पे उत्तर हो जाएगा कि संकुचित अर्थ को दिखाता है, ठीक है? बात करते हैं व्यापक अर्थ की। मनुष्य प्रत्येक समय किसी न किसी व्यक्ति से कोई ना कोई शिक्षा प्रति बात सीखता है। इस प्रकार यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक
अनेक व्यक्तियों, घटनाओं, संस्थाओं व विचारों से परिचित होता है तथा कुछ परिस्थितियों में उनसे प्रभावित भी होता है। वह उन सभी घटनाओं से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करता है जिनसे वह प्रभावित होता है। शिक्षण के व्यापक अर्थ में वो सब कुछ शामिल किया जाता है जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है। तो जो मैंने अंडरलाइन किया है और आपको पता ही चल गया होगा कि क्या है, जिंदगी में जो भी आप सीख रहे हैं, जिंदगी में जो आपको सिखाने वाले लोग हैं वो आपके शिक्षक हो जाते हैं उस समय, भले ही वो आपका छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। अगर आपसे उससे कुछ सीख रहे हैं तो उस समय वो आपके लिए शिक्षक का ही कार्य कर रहा होता है। तो ये है शिक्षण का व्यापक अर्थ, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। अब हम बात करते हैं शिक्षण की महत्वपूर्ण परिभाषाओं पे। बर्टन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा है, निदेशन है, निर्देशन है और प्रोत्साहन है। मुझे नहीं लगता इन शब्दों से आप परिचित नहीं हैं, इन सभी शब्दों से आप परिचित भी हैं। रायबन कहते हैं कि शिक्षण के तीन बिंदु हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु। जैसे अभी स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको कि वो 3D में हो जाता है। 3D नहीं कहा है इन्होंने, इन्होंने कहा है तीन बिंदु हैं, तो रायबन वहाँ पे सही उत्तर नहीं है, 3D किसी और ने कहा था। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है, और संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, ठीक है। और अंत में बहुत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर, जिन्होंने कहा शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी स्किनर ने, उन्होंने मेन जो फोकस रखा था वो रीइन्फोर्समेंट पे ही रखा था, जिसको हम हिंदी में पुनर्बलन कहते हैं। तो वो कहते हैं कि शिक्षण तभी सार्थक माना जाएगा जब बच्चे के अंदर पुनर्बलन होगा, मतलब सीखने के लिए और उत्सुकता बढ़ेगी तभी वो आगे बढ़ पाएगा। तो वहाँ इन्होंने अपनी इस बात को कहा है कि पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का ये क्रम है, ठीक है। तो ये चार महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अब हम एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पे चल रहे हैं जो हम अक्सर छोड़ देते हैं। वैसे मैंने इस टॉपिक को रिसर्च वाले टॉपिक में पढ़ाया है, जिसमें हमने पूरी बात करी है, लेकिन आप अगर शिक्षण यानी कि टीचिंग से सिर्फ रिलेटेड बात पढ़ रहे हैं तो आप उस चर पे मत जाइएगा। तो हम यहाँ पर सिर्फ शिक्षण के चरों की बात कर रहे हैं, बहुत ही सरल है और जानना भी इसको बहुत जरूरी है। तो चर क्या होते हैं? कोई भी कार्य, व्यवहार, कारक, अनुक्रिया या प्रक्रिया को जो परिवर्तनशील है वो चर कहलाती है। कोई भी चीज जो परिवर्तनशील है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेपी चर। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूं यहाँ पे, बाकी एक्सप्लेन करूंगा अभी। स्वतंत्र चर जो अपने हिसाब से चलता है, जो अपने हिसाब से सब कुछ बदल भी सकता है, खुद को भी और प्रक्रिया को भी, तो स्वतंत्र चर है वो शिक्षक, वो टीचर जो आपको पढ़ा रहा है शिक्षण प्रक्रिया में। प्रश्न आ सकता है कि स्वतंत्र चर है कौन शिक्षण प्रक्रिया में? शिक्षक है, छात्र है, अभिभावक है या कोई शिक्षण विधि है? तो शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में दिखाई देगा। आश्रित चर कौन है? आश्रित चर जिस पर हम देखना चाहते हैं कि जो प्रक्रिया है उसका प्रभाव क्या है, तो हम प्रभाव क्या पड़ रहा है वो तो छात्र के अंदर ही देखेंगे। तो आश्रित चर हमेशा छात्र ही होते हैं, जिसमें हम अधिगम प्रक्रिया का परिवर्तन या किसी प्रकार का प्रभाव देखने का प्रयास करते हैं। हस्तक्षेपी चर यानी कि इंटरफेरेंस वेरिएबल, ये होती हैं, अगर मैं शॉर्टकट में कहूँ तो, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण विधि, या इसमें आप पाठ्यक्रम को भी ला सकते हैं। हस्तक्षेपी चर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में जो प्रोसेस चल रही होती है उसमें हस्तक्षेप करते हैं कि किस तरीके से प्रभाव को बढ़ाया जाए। यहाँ मैंने एक चीज लिखी नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जो अगर प्रश्न में ये आ जाता है कि जो शिक्षण के चर है उनके कार्य क्या है, अलग से भी प्रश्न हो सकता है कि शिक्षण चर क्या है, उनके प्रकार बताइए, उनके कार्य बताइए, तो मैं आपको मेन मेन बात बता दूं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो पहला कार्य है शिक्षण के चरों का, उसमें पहला कार्य है निदान करना। क्या करना? निदान करना, यानी कि जिसको डायग्नोस्टिक कहते हैं, डायग्नोज करना, ठीक है। दूसरा काम क्या होता है? उपचार करना, रिमीडियल प्रोसेस, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा?
मूल्यांकन करना यानी कि इवेल्युएशन करना, ये तीन ही हेडिंग आपको इसमें याद रखनी है, निदान, उपचार और मूल्यांकन। कार्य है ये, तीन कार्य हैं, निदान, उपचार और मूल्यांकन। निदान में मतलब क्या करेंगे, शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की समस्या की पहचान। निदान का असली अर्थ जो होता है उसका मतलब होता है पहचान करना। तो आप पहचान कर रहे हैं, फिर उपचार कर रहे हैं और फिर मूल्यांकन करके देख रहे हैं कि हम जो उपचार किए हैं वो सही है या नहीं। जैसे मान लीजिए कोई छात्र है और वो मैथ के कुछ टॉपिक में अच्छे से प्रोसेस में नहीं आ पा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा, तो आप पहले देखेंगे, हाँ भाई चलो उसका निदान करते हैं, इन पांच बच्चों को नहीं समझ में आ रहा, तो हम पूरी क्लास में एक प्रोसेस को डालेंगे और उसको कहेंगे कि हम एक शिक्षण विधि यूज कर रहे हैं जिसका नाम है खेल विधि, और हम देखते हैं कि उस खेल विधि में उन बच्चों को वो टॉपिक समझ में आ गया और आपका ये जो फंडा था ये क्लियर हो गया कि हाँ इस तरीके से मतलब अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो कुछ बच्चों का इलाज इससे भी हो सकता है, उनकी मैथ वाली जो भी समस्या है वो दूर हो सकती है। और मूल्यांकन अंत में हम कोई छोटा मोटा टेस्ट लेके देख सकते हैं कि जो हमने शिक्षण विधि का प्रयोग किया था वो उपयुक्त थी, उन बच्चों के नंबर आए या नहीं आए। यही एक कार्य जिसको आप एक्सप्लेनेशन में अच्छे से लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये शिक्षण के कार्य हैं। एक बार और समझ लीजिए कि स्वतंत्र चर क्या होते हैं। शिक्षण का स्वतंत्र चर शिक्षक होता है, शिक्षण व्यवस्था, नियोजन, परिचालन शिक्षक स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक अपने अनुसार करता है। शिक्षक की गुणवत्ता निर्धारित करती है कि शिक्षण का परिचालन कैसा होगा, ठीक है। दूसरा है आश्रित चर, जो मैंने आपको बताया था कि छात्र है, तो शिक्षण का आश्रित चर छात्र होता है। छात्र शिक्षक के अनुसार ही क्रियाशील रहते हैं और शिक्षक शिक्षण व्यवस्था का परिचालन छात्र को ही ध्यान में रखते हुए करता है। हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेरेंस वेरिएबल क्या होते हैं, ये शिक्षक और छात्र के मध्य एक पुल यानी कि एक सेतु की तरह कार्य करते हैं। ये बताता है कि शिक्षक छात्र को क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। इसमें पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों को शामिल किया जाता है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि एक पाठ्यचर्या किस प्रकार का चर है शिक्षण में, तो आप बताओ कि हस्तक्षेपी चर है जो हस्तक्षेप करता है। हस्तक्षेप का मतलब डिस्टर्ब नहीं करता है, वो प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करता है और यह प्रभाव बढ़ाता है। तो उम्मीद है ये चरों की बात हमने अच्छे से समझ ली होगी। अब हम बात करते हैं मोटे तौर पर शिक्षण के प्रकार की, शिक्षण का प्रकार कैसा होना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे तो आपने बहुत सारे प्रकार पढ़े होंगे लेकिन मैंने एज ए हेडिंग के तौर पे बस आपको बताने समझाने के लिए इसको रखा है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि शिक्षण के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन जब हम उसके बारे में लिखते हैं समझते हैं तब थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाती है, इसीलिए हमको हेडिंग्स अच्छे से पता होनी चाहिए। शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया है। किसे, शिक्षण को, ज्ञानात्मक कॉग्निटिव, भावात्मक अफेक्टिव या मनोगत्यात्मक साइकोमोटिव। जी हाँ, नाम से आपको याद आ रहा होगा कि ये कुछ सुनाई दिया है, कुछ सुना सुना लग रहा है। जी हाँ, ये ब्लूम ने बताया था, बेंजामिन ब्लूम ने, और इन्होंने इन तीनों को शैक्षिक उद्देश्यों के आधार पर रखा था कि किस तरीके से हमारे शैक्षिक उद्देश्य पूरे हो सकते हैं। तो शिक्षण भी तीन प्रकार का हमने इसमें इंक्लूड किया है। ज्ञानात्मक शिक्षण किस तरीके का हो सकता है, वैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, बेंजामिन ब्लूम का जो थ्री डोमेन की जो थ्योरी है इसको समझने के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप अलग से जरूर देख लीजिएगा। मेरा प्रयास रहा है कि मैंने ब्लूम की पूरी थ्योरी को अच्छे से समझाया है और सभी ने पसंद भी किया है। यहाँ पर हम सिर्फ मोटी मोटी बातें करेंगे कि ज्ञानात्मक का अर्थ है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा अगर आपको ये यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डाउट हो कि क्या है क्या नहीं। तो ज्ञानात्मक क्या है, ज्ञानात्मक जो है ये एक प्रकार की ऐसी थ्योरी है जो हम देखते हैं कि बच्चा किस प्रकार से सीखने का प्रयास करता है, मतलब उसकी बुद्धि में किस तरीके से कार्य होगा, उसका आईक्यू किस तरीके से काम करता है, वो स्टार्टिंग कहाँ से करता है। यहाँ पर ब्लूम ने ये समझाया है कि बौद्धिक क्षमताएं जो होती हैं बालक के अंदर उसको कैसे वो ग्रहण करता है, किसको, बौद्धिक क्षमता। इसको छह भागों में बांटा गया, कितने भागों में, छह भागों में।
इवन इन तीनों को छह छह भागों में ही बांटा गया है। मैं आपको यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए आप वाला वीडियो देख लीजिएगा। मैं बता देता हूँ कि कौन है वो छह भाग। अगर हम ज्ञानात्मक की बात करें, नॉलेज इसमें कॉग्निटिव लेवल की बात करें, तो सबसे पहला होता है ज्ञान। किसमें? ज्ञानात्मक। ज्ञान के बाद हम बोध की तरफ बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ते हैं, फिर अनुप्रयोग करते हैं, एप्लीकेशन रखते हैं, फिर उसके बाद हम किसी भी डाटा का एनालिसिस करते हैं, और फिर सिंथेसिस यानी कि विश्लेषण और संश्लेषण करते हैं, और फिर हम मूल्यांकन की तरफ जाते हैं। तो ये हो जाता है ज्ञानात्मक। अगर अब बात करते हैं हम इसकी भावात्मक की, तो ये होता है अफेक्टिव डोमेन। ये हमारी रुचियों से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? रुचि से। कभी पूछा जाए आपसे कि बेंजामिन ब्लूम की जो टैक्सोनॉमी है, उसमें अगर हम रुचि की बात करें, तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ज्ञानात्मक से, भावात्मक से, या मनोगत से? तो इंटरेस्ट, जहां आपका इंटरेस्ट हो और वहां आप बढ़ रहे हो। अब आप मान लीजिए क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और क्रिकेट के खिलाड़ियों में किसी ने आपको, आपके घर में, आपके परिवार में, या किसी पास पड़ोसी ने आपके बर्थडे पे बैट गिफ्ट कर दिया, तो वो व्यक्ति आपको अच्छा लगने लगेगा, और कहीं ना कहीं आप उनकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। क्यों? क्योंकि उसने आपको वो चीज दी जिसमें आपको पहले से इंटरेस्ट था, है ना। इसमें भी कई छह पॉइंट होते हैं, किस किस तरीके से हमें आगे बढ़ना होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं मनोगत्यात्मक यानी कि साइकोमोटर। ये जो जुड़ा है, ये शरीर शारीरिक पक्ष से जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, किससे? शारीरिक पक्ष से। किस प्रकार से एक व्यक्ति साइकिल चलाना सीखता है? शुरुआत में डरता है, धीरे धीरे उस डर को निकालता रहता है, और उस शारीरिक पक्ष में वो अपने आप को किस तरीके से मैच्योर करता है, ये चीज जानना जरूरी है। उसके चरित्र में वो चीज बन जाती है कि हम अब साइकिल हाथ छोड़ के भी चला लेंगे। अंत में चलाना नहीं चाहिए, गलत बात है, लेकिन उस वो इतना मैच्योर हो जाता है। तो इन्हीं तीनों को बताया गया है कि किस तरीके से सीखना है। तो शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा जा सकता है। बात करते हैं शिक्षण के स्तर के आधार पर। ये भी मेरा वीडियो बन चुका है शिक्षा के स्तर में, तो ये भी आप, मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। यहां समझ लीजिए स्मृति आधारित क्या है। तो ये सबसे पहला होता है, यानी कि सबसे निम्न माना जाता है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। हमारे मेमोरी में क्या है, ज्यादातर हम इसको रटने का आधार मानते हैं, कि जो भी बच्चे को रटा कर कुछ पढ़ाया जाए, तो वो इसकी स्मृति में आ जाए, मतलब मेमोरी में आ जाए कि हाँ बच्चा जानता है कौन है क्या है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं कौन चीज कैसे आई, बस ये पता है कि ये हमारी मेमोरी में है। ये चीज रटने पर आधारित होती है। और ये जो स्मृति आधारित शिक्षण चिंतन या शिक्षण के बारे में जो बताया था, ये हार्बर्ट ने बताया था। हार्बर्ट ने इसके बारे में पूरी चर्चा की है कि स्मृति लेवल पर, स्मृति स्तर पर क्या क्या होना चाहिए। दूसरी बात हम कहते हैं बोध की। जब आपकी स्मृति में कुछ आ गया, मान लीजिए आपने पहाड़े रट तो लिए, दो पंचे दस तो होता है, लेकिन दो पंचे दस होता कैसे है? तो वो है अंडरस्टैंडिंग। अब आपको यहाँ पे समझ जो है अपनी बढ़ानी है, और आप समझ चुके हैं कि हम अब जो स्मृति में था उसको किस तरीके से हल करना है, समझ की स्तर को बढ़ाना है। मैं आपको इसमें नाम बता दूं कि इसकी जो पूरी थ्योरी है वो बताई है मॉरिसन ने, और ये सब आपको याद रखना है। मॉरिसन ने बताया है कि बोध स्तर या समझ का स्तर क्या होता है, ठीक है। मॉरिसन, चिंतन का स्तर वो होता है जब आप कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं, मतलब स्मृति और बोध तो आपके अंदर आ ही चुका है, अब आप उस पर चिंतन कर रहे हैं क्या इसमें कोई परिवर्तन हो सकता है या कोई बदलाव हो सकता है किसी भी प्रकार में। मान लीजिए विज्ञान में ही आप चल रहे हैं, न्यूटन ने देखा कि सेब ऊपर से नीचे गिरा, सब कुछ है, मन में सेब भी है, ऊपर से नीचे गिरना समझ भी है, लेकिन अब चिंतन है कि ऐसा हुआ क्यों, वो सबसे लास्ट और सबसे बड़ा होता है, और इसको समस्या समाधान स्तर भी कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि समस्या समाधान स्तर किसे कहा जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल, समस्या समाधान, और इसको बताया था हंट ने, ठीक। ये तीन स्तर हैं जो आपको शिक्षण के स्तर के आधार पर बांटने पड़ेंगे, और इसके बारे में काफी डिटेल में बताना पड़ेगा। इसका वीडियो है वो लिंक में मैं डाल दूंगा, उसमें जो भी डाटा है आपको आपके काम का हो सकता है, उसमें मैंने शिक्षा के स्तर पे इसको तीन भागों में बांटा है।
यहाँ पे शिक्षण के आधार पे भी सेम चीज आप लिख सकते हैं। शासन प्रणाली के आधार पे बहुत ही सरल है और इम्पोर्टेंट भी है, एक तंत्रीय। देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दो प्रकार की शिक्षण विधियां होती हैं, एक होती है शिक्षक केंद्रित, एक होती है शिक्षक केंद्रित और एक होती है छात्र केंद्रित। तो यहां पर एक शिक्षक केंद्रित है, एक छात्र केंद्रित है। तो जो शिक्षक केंद्रित है वो है एक तंत्रीय, क्यों? क्योंकि जो शिक्षक कर रहा है, जो शिक्षक पढ़ा रहा है और बच्चों को वही पढ़ना है और बच्चे उसमें निष्क्रिय रूप में बैठे हुए हैं, शिक्षक ही सब कुछ है, शिक्षक ही राजा है, वो होता है एक तंत्रीय। जैसे एक तंत्र में आप समझ भी रहे हैं, ऑटोक्रेटिक किसे कहते हैं, जहां एक राजा है बाकी पूरी प्रजा उसकी फॉलोइंग में रहती है, भाई हमारा जो राजा कहेगा वही सब सही होता है। लेकिन जो लोकतंत्रीय है, सबसे अच्छी जो इस तरह मतलब शासन प्रणाली हमारे शिक्षण में मानी जाती है वो लोकतंत्रीय। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रूप में रहते हैं, दोनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है और दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसमें शिक्षक का रोल क्या होता है कि वो सिर्फ अनुदेशन का कार्य करता है, बेटा ये ऐसे करना, ये ऐसे करना। तो ये हो जाती है लोकतंत्री, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों हैं, मतलब टीचर प्लस स्टूडेंट, ये दोनों लोग यहाँ पर दिखाई देंगे आपको। अब अंत में आती है ये, मैं उनको बता दूं जो नेट की तैयारी करते हैं, लेसेस फेयर के नाम से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप वहां पर, आपका दिमाग इसलिए काम नहीं करता क्योंकि लेसेस फेयर तो बड़ा अजीब सा नाम है, हस्तक्षेपी, हस्तक्षेप रहित लिखा है हिंदी में, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। हस्तक्षेप रहित का मतलब होता है बच्चे को उसकी प्रतिभा के अनुसार छोड़ दिया जाए। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, उसका इंटरेस्ट किसमें, आर्ट बनाने में, तो हम उसको पढ़ने के प्रति थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं डालेंगे, हम कहेंगे बेटा तुम तो आर्ट बनाओ और कुछ ऐसी बनाओ कि लोग देखते रह जाए। हस्तक्षेप रहित, ये मतलब टॉप क्लास की मानी जाएगी, क्योंकि अगर कोई छात्र आर्ट में आगे कुछ नाम बनाना चाहता है, खेल में बनाना चाहता है या म्यूजिक में बनाना चाहता है, तो हम उसको रोकेंगे नहीं, हम उसको बढ़ावा देंगे, पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे। ये है हस्तक्षेप रहित, यानी कि लेसेस फेयर। तो ये बहुत ही हाई क्लास की हम कह सकते हैं, क्योंकि हम कितना भी बच्चों को समझा लें, अगर वो बच्चा सिर्फ खेलना चाहता है, अब आप सोचते हो कि बच्चा तो खेलना चाहता है, हम उसको कितना खेलने दें, नहीं, थोड़ा सा बड़े लेवल की बात हो रही है, छोटे बच्चों को थोड़ा बहुत तो पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे पढ़ने के प्रति इंटरेस्ट बहुत 1-2% लोग लेते हैं, बाकी लोग तो बैठ के ही पढ़ाए जाते हैं, प्रैक्टिकली तो यही है। लेकिन यहाँ पर स्तर बात हो रही है उच्च स्तर में, जिसमें हम उनसे उनको प्रेशर न डालते हुए उनको एक फ्री एटमॉस्फियर देते हैं, उसको कहते हैं हस्तक्षेप रहित। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, शिक्षण के स्वरूप के आधार पर। हाँ जी, वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक, नाम तो सुना ही है आपने। डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में मतलब एक शिक्षक है जो छात्र को क्या पढ़ाना है उसके लिए अपनी क्लास में जा रहा है और वो पढ़ा रहा है, क्या है, पढ़ा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है कि क्या हमें मतलब हमारी जो विधि रहेगी कैसी रहेगी क्या रहेगी, हमने एक नॉर्मल सी स्टार्टिंग कर दी है पढ़ाने की, लेकिन उसी बीच में हम देख रहे हैं कि कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उन बच्चों की समस्या का निदान करेंगे, यानी कि पहचान करेंगे, और उसी पहचान के आधार पर हम उन बच्चों की समस्या का समाधान करेंगे, जिसको हम उपचार कहते हैं। तो समस्या समाधान को क्या कहेंगे, उपचार। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि पहले अपना वर्क करना है और बीच में हम बच्चों का पहचान करना है और उन्हीं बच्चों का फिर समस्या का समाधान करना है, ये शिक्षण का स्वरूप होना चाहिए और यही स्कूल में सबसे ज्यादा अपनाया भी जाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। शिक्षण व्यवस्था के आधार पे जो सबसे फेमस है, आपने तो खूब अच्छे से पढ़ा होगा कि शिक्षा को 3 भागों में बांटा जा सकता है, कौन कौन सी शिक्षा होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। इस वीडियो को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके दे दूंगा कि ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, लेकिन यहाँ भी हम देख लेते हैं
औपचारिक शिक्षा जिसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, यानी कि स्कूलिंग, स्कूल से संबंधित यानी कि विद्यालय से संबंधित जो भी शिक्षा होती है, जिसमें एक आपके स्थान होगा निश्चित कि हम इसी स्कूल में जाते हैं, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, कौन सा पीरियड लगा ये भी हम जानते हैं, एक यूनिफॉर्म है, एक यूनिफॉर्मिटी है, मतलब आपके पास एक टाइम टेबल होगा कि हम सुबह ये पढ़ेंगे और आफ्टर मिड टाइम के आफ्टर में ये पढ़ेंगे, सब कुछ पहले से डिसाइडेड है। ये भी पता है कि 6 महीने बाद हाफ ईयरली होंगे और 1 साल बाद ईयरली होंगे, सब कुछ जब डिसाइड होता है तो उसको औपचारिक कहते हैं। कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि एक औपचारिकता है, इसे पूरा ही करना है कि आप सेकेंड क्लास के बाद थर्ड में जाएंगे और थर्ड के बाद आप फोर्थ में जाएंगे। इसी के उल्टा अनौपचारिक शिक्षा होती है जो जीवन से संबंधित होती है, यानी कि शिक्षा का व्यापक अर्थ, मतलब जो जीवन में हमें सीखने को मिल रहा है, चाहे हम पास पड़ोसियों से सीखें, कहीं हम बाहर जा रहे हैं वहां सीख रहे हैं, घर में सीख रहे हैं, किसी भी प्रकार हम प्रकृति से भी सीख रहे हैं, तो वो भी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न आ सकता है कि प्रकृति से किस प्रकार की जो शिक्षा मिलती है वो किस में आएगी, तो वो अनौपचारिक शिक्षा में आएगी। इसी से मिलती जुलती होती है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा जो होती है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है आपकी ऐसी शिक्षा जो थोड़ी सी मिक्सचर है औपचारिक और अनौपचारिक से। जैसे मैं सीधे सीधे एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको सबसे पहले, जैसे दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा जिसको हम डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि दूरस्थ शिक्षा किसका एग्जाम्पल है, तो इनफॉर्मल का है, मतलब पढ़ेंगे आप घर ही में, पढ़ेंगे अपने हिसाब से, लेकिन इसमें एग्जाम देना होगा, आपको प्रमाण पत्र यानी कि एक सर्टिफिकेट इसमें मिलेगा। सर्टिफिकेट किसमें किसमें मिलेगा, औपचारिक में मिलेगा और निरौपचारिक में मिलेगा, लेकिन अनौपचारिक में नहीं मिलेगा। लेकिन पढ़ाई किस तरीके से करनी है, अनौपचारिक तरीके से, मतलब आप घर में पढ़ सकते हो, बाहर पढ़ सकते हो, इंटरनेट से पढ़ सकते हो, इसके लिए कोई भी आपको दबाव नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल और है जिसको हम एडल्ट एजुकेशन कहते हैं, एंड्रोगोगी कहते हैं, और हिंदी में से कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा। तो प्रौढ़ शिक्षा किसका एग्जाम्पल है, इनफॉर्मल एजुकेशन का उदाहरण है, निरौपचारिक शिक्षा का उदाहरण है। ये चीज ध्यान रखनी है। मैं थोड़ा इसमें बहुत शॉर्टकट में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाया है और इसके मैंने वीडियो बना रखे हैं, जिसमें अगर मैं यहाँ पे बहुत लंबा पढ़ा दूंगा तो वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा। यहाँ पर मोटी तौर पर सब जानना जरूरी है कि शिक्षण के व्यवस्था, शिक्षण को जो है बांटा किस किस रूप में जा सकता है, ठीक है। अंत में हम शिक्षण के उद्देश्यों को समझ लेते हैं। शिक्षण का उद्देश्य बालक को सिखाना है कि वातावरण के साथ किसी न किसी प्रकार की प्रतिक्रिया अवश्य करना है। शिक्षण बालक को वातावरण में समायोजित करना सिखाता है, ठीक है, वातावरण में समायोजन करना सिखाता है। और शिक्षण का उद्देश्य बालकों के संवेगों को प्रशिक्षित करना है, शिक्षण संवेगों को स्पष्ट करना करता है और संवेगों पर नियंत्रण करना सिखाता है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप अपने संवेगों को नियंत्रित भी कर सकते हैं। संवेग क्या होते हैं इस पर भी मेरा वीडियो है, आपको उचित लगता है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि संवेग ही सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, कि हमें किस समय किस संवेग पर नियंत्रण रखना है और कौन से संवेग को सामने लाना है। आज का जो वीडियो है जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। जल्दी ही हम मिलते हैं आने वाले वीडियोज में, और जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच।